गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम अगेन टू माय चैनल। ब्लॉग भी ज़रूरी है, सो अभी उठा हूँ, मतलब उठानी मतलब थोड़ी देर हो गई उठ के, मैम को लेके आ गया हूँ अब। और अब चलते हैं दुकान पे, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, ब्रेड वगैरह। तो आगे कुछ ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि ना बच्चों को पेपर है ना कुछ काम है, तो स्कूल में रहेंगे आज, स्कूल में देखते हैं और साथ में बने रहिए। सो गाइस, मैम को लाने के बाद मैं तिगाम चला गया था कुछ सामान वामान लेने के लिए, तो वहाँ से आके फिर मैं सो गया, क्योंकि नींद आई थी रात को भी, ढंग से नहीं सो पाया था। तो खाना खाते हैं, मम्मी ने खाना बना दिया है। तो आज खाने में है लौकी की सब्जी है, रोटी है, तो चलो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। ये आ गया अपना खाना, लौकी की सब्जी रोटी, तो खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं। तो अब चलते हैं मैम को छोड़ने के लिए, पापा कहे थे कि बहुत सोलिए, तो जब मैम को छोड़िया तो मैम अभी आ रही हैं, तो फिर चलते हैं वहाँ पे और कुछ काम है थोड़ा वो करके आएंगे, फिर आते हैं घर पे। ये आ लिया, उठ गया देख, रजिस्ट्रेशन पे भाई साहब लंबी लाइन लग रही है आज, तो लाइन लगी हुई है सारे में। तो बस अभी CNG भरवाते हैं, फिर चलते हैं, पेट्रोल भी डलवाना है वो डलवाएंगे, उसके बाद घर चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो किचन खा लेते हैं। चलिए, गाड़ी वाला बंदा अपना घर से फ्रस्ट्रेटेड होगा तो यहाँ के सारे गाड़ी वाले से लड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कह रहा है। शायद इसका पेज दिख रहा है, देखो देखो देखो, लो करना कुछ नहीं था, जाके वहाँ खड़ा हो गया। अरे आगे उस गाड़ी वाले से लड़ रहा, उससे लड़ रहा, शायद दो चार गाड़ी वाले से लड़के गए। ऐसे ना क्या होते हैं कि जैसे लोग ये अपना घर से लड़के आए किसी से, यहाँ आके सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, और कुछ बुढ़ापे के साथ साथ भी आया था, यार ठीक है तुम्हारा मतलब देख, मतलब तुम गुस्से में हो या कुछ भी, उस चीज़ को दूसरे के ऊपर क्यों उतार रहे हो, पर पागल ही हैं लोग मतलब कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए अपना हमारा तो यही है कि भाई शांत रहो और मौज मस्ती में रहो, अपना आप सबसे डेली इंटरेक्शन हो जाता है व्लॉग के थ्रू, और मतलब सही है अपना शांत शांत रहो, आप सबसे बात होती रहती है, उसकी वजह से गुस्सा भी शांत रहता है मेरा, कभी पहले बहुत गुस्सा करता था मैं भी, पर अब तो बहुत शांत हो गया है सच में। तो बस अभी CNG भर जाती है, फिर उसके बाद चलते हैं पेट्रोल पम्प पे, फिर वहाँ से देखते हैं कुछ खाने को मिलता है। चुकी है अब चलते हैं पेट्रोल पम्प पे, तो अभी तो पेट्रोल पम्प पे चलने के बाद देखता हूँ, बीच में अगर कोई कुछ वो जो मैं फालतू रखता रहा था अगर वो मिल गया तो कुछ खाएंगे। और अभी मैंने गाड़ी वाला देखा था, उसमें क्या कि आया वो पम्प लगवाया अपने में CNG का, और 2 मिनट तो मैं कह रहा हूँ 2 मिनट तो मेरे में लग गए होंगे, कुछ 20 सेकेंड 25 सेकेंड में ही निकला चला गया। फिर मैंने देखा था वो 100 रुपये का डला गया था, मैंने कहा यार आया छिपवा के चला गया, जैसे उस दिन हुआ था ना एक बंदा जब लग गया था सेम ऐसे ही। तो चलो अभी तो चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, फिर उसके बाद घर चलेंगे। तो चलिए, हो जाता काम सारा, मैं पेट्रोल पंप पर पहुँचा, वहाँ पे देखा तो पेट्रोल डलवाने के बाद वो कह रहे जी हमारे पास ना फोन पे है ना पेटीएम है ना कुछ है, या तो कार्ड से पेमेंट होगी या कैश, और ना मैं कार्ड लेके आया अपने साथ, और वो तो कैश तो मैं लेके नहीं आया था बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद मैं कुछ भाई कुछ हो जाए तो देख लो, तो उनमें से एक फिर एक भाई आए, वो थोड़े जान पहचान के थे, मैंने उनसे कहा कि मैंने भाई ऐसे ऐसे मैं आपको कर रहा हूँ आप कैश दे दो मेरे को, फिर उनको मैंने पेटीएम करा, उन्होंने मेरे को कैश दिया। अब नहीं तो फंस जाता फिर यहीं पे, आप फंस तो क्या मतलब बुला लेते किसी को घर के पास ही, थोड़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर वो ये है कि फिर अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा अजीब अजीब से लगता है। अब चलते हैं घर की तरफ, अगर बीच में कुछ वो मिल गया फलूदा वगैरह वाला तो वो खाते हैं। हम रुकने थे वो मिल गया है, अब फलूदा लेते हैं। फ्लेवर कौन सा आइसक्रीम का? स्ट्रॉबेरी
अब चलते हैं घर की तरफ। ये बात तो चलो अब चलते हैं घर, खाते खाते चल लेंगे। तो भाई अब चल दिए हैं जिम के लिए, कमल घर आया था तो इसको लेने के लिए, उठे ही ना है तो अभी चलते हैं। उठो भाई कहती उठो, तो चलो अभी चलते हैं। आज आया था ना, अभी तो बाल ऐसे अजीब से हो रहे हैं, तो अभी बस वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। जितने भाई आ रहे हैं थोड़ा बार में वार्म होंगे, इतने भाई आ जाएंगे फिर उनके साथ एक्सरसाइज करेंगे। आज बोले थे कि अपने साथ ही कराया करूँ सब कुछ, तो चलो वर्कआउट करते हैं। अब बोल कुछ, बोल कुछ। सो गाइस अभी जस्ट बैक वर्कआउट कम्प्लीट हुआ है, तो इसके बाद अब भाई सबको होगा। ये भाई हैं तो इनके थ्रू हमारी अब चल रही है वर्कआउट, और अभी भाई का एक सेशन निकालूंगा मैं जल्दी, भाई के साथ वर्कआउट होगा बढ़िया अच्छा वाला, तो तैयार रहना उसके लिए। सब आया था तो मैंने एक चीज़ देखी, दिखाता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो ये दिख रहा है, ये सारा 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 वो है धुआँ है इसके ऊपर, गार्डन के ऊपर सारा धुआँ आया हुआ है, मस्त लग रहा है बिल्कुल। देखो जिम से आने के बाद बच्चे बच्चे आ गए थे, तो अब आराम से बच्चे जा चुके हैं उनके पढ़ा पढ़ू के, अब खाते हैं खाना। आज खाने में है दाल और चूरमा, माय फेवरेट दाल और चूरमा। अब खाना वाना खाते हैं फिर उसके बाद अब बच्चे चले गए तो कुछ काम नहीं है, एडिटिंग वगैरह करूँगा और फिर आराम करेंगे अपना। गाइस अपना डिनर कंप्लीट हो गया है, अब बस बैठ के एडिटिंग करूँगा, और आज ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बाहर घूमा था यही सब। कल बच्चों का पेपर है, कल जाएंगे, तो आज इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।